हम सब जानते हैं कि आज कई बड़ी बीमारियां हमारी बदलती जीवन शैली की देन हैं। हम जितने मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, वहीं बीमारियां हमें अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। महिलाओं का भी शराब और सिगरेट पीना, पहले गर्भधारण में देरी करना, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाना, शरीर का वजन बढ़ जाना और बर्थ कंट्रोल पिल्स का सेवन करना, ऐसी तमाम वजह हैं जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का कारण बनती हैं। पिछले साल हिंदुस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के करीब 1,62,500 नए मामले सामने आए थे और लगभग 87,000 महिलाओं की मृत्यु इसी कैंसर की वजह से हुई थी। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर 8 में एक महिला ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है। दुख की बात यह है कि ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। डॉक्टर्स की माने तो ब्रेस्ट कैंसर की पहचान अगर शुरुआत में ही कर ली जाए तो महिला की जान बचाई जा सकती है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर की पहचान कैसे करें? खुद ब्रेस्ट की जांच करने का तरीका क्या है? आइए इन तमाम सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल दुनिया भर में करीब 21 लाख महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। स्तन कैंसर लगभग पूरी तरह से महिलाओं में होता है, लेकिन पुरुषों को भी स्तन कैंसर हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है और सेल्फ एग्जामिनेशन क्या है। स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो स्तनों में होता है। ये कैंसर महिलाओं में तब शुरू होता है जब कोशिकाएं नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं। स्तन कैंसर की कोशिकाएं आमतौर पर एक ट्यूमर बना देती हैं, जिसे अक्सर एक्सरे पर देखा जा सकता है या ब्रेस्ट में एक गांठ के रूप में महसूस किया जा सकता है। इसी के साथ ही सेल्फ एग्जामिनेशन यानी कि शरीर में होने वाले कुछ बदलावों पर खुद नजर रखकर ब्रेस्ट कैंसर होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं, इसका कंफर्मेशन डॉक्टर द्वारा बताई गई जांच से ही किया जा सकता है। आइए समझते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन आप कैसे खुद कर सकती हैं। शीशे के सामने खड़े होकर अपने कंधे सीधा रखें और दोनों हाथ कमर पर रखें। अब ब्रेस्ट के साइज और शेप पर ध्यान दें। अगर कोई बदलाव नजर आ रहा है तो इसे नजरअंदाज ना करें। फिर दोनों हाथों को उठाकर ब्रेस्ट की जांच करें। ब्रेस्ट कैंसर की पहचान के लिए निप्पल को थोड़ा दबाकर देखें कि कोई अजीब सा तरल पदार्थ तो नहीं निकल रहा है। लेटकर अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं स्तन को हल्के हाथ से दबाकर चेक करें कि कोई गांठ या फिर दर्द तो महसूस नहीं हो रहा है। यही प्रक्रिया बाएं हाथ से दाएं स्तन को दबाकर दोहराएं। ब्रेस्ट कैंसर की पहचान करने के लिए खड़े होकर स्तन की जांच करें। उसमें उंगलियों से स्तन को दबाकर चेक करें। ब्रेस्ट में किसी भी तरह के बदलाव, दर्द या फिर गांठ महसूस होने पर डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अपने आप को दिया गया ये थोड़ा सा समय आपको इस बड़ी बीमारी के खतरे से बचा सकता है। अब आइए बात करते हैं इसके शुरुआती लक्षणों की। ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण कुछ इस तरह के हो सकते हैं। ब्रेस्ट या निप्पल के आकार या रंग में कोई बदलाव दिखना, स्तन के बगल में सूजन होना, ब्रेस्ट में गिल्टी का महसूस होना, ब्रेस्ट के आकार और साइज में बदलाव, स्तनों में असामान्य सिकुड़न दिखना, अचानक से एक स्तन का दूसरे स्तन से छोटा बड़ा होना, निप्पल का अंदर की ओर धंसना, ब्रेस्ट में कहीं भी गड्ढा पड़ना, निप्पल और उसके आसपास की स्किन लाल होना, ब्रेस्ट से पानी या खून निकलना, स्तन की त्वचा में असामान्य छिद्र होना। ब्रेस्ट कैंसर कंफर्म करने के लिए डॉक्टर आपकी कई जांच करवा सकते हैं, जिनमें ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी जैसे टेस्ट शामिल हैं। इन टेस्ट से ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाया जा सकता है। अगर बात करें कैंसर के होने की वजहों की, तो इसके होने के कारण हो सकते हैं बढ़ती उम्र, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। इसके ज्यादातर मामले 55 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में ही देखे जाते हैं। इसकी दूसरी वजह जेनेटिक कारण हो सकते हैं। अगर महिला के परिवार में किसी को पहले ये कैंसर हो चुका है तो उसे इस कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका तीसरा कारण है कम उम्र में पीरियड्स शुरू होना। जिन महिलाओं को कम उम्र से ही पीरियड शुरू हो जाते हैं, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने का ज्यादा खतरा रहता है। जो महिलाएं हार्मोन थेरेपी के लिए दवाएं लेती हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उनमें भी स्तन कैंसर का खतरा बढ़ने की संभावना हो सकती है। मोटापा और खराब लाइफस्टाइल भी इसकी एक बड़ी वजह है। ज्यादा उम्र तक प्रेग्नेंट ना होना और गर्भ निरोधक दवाएं लेने से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। बच्चा होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाना भी इसकी एक बड़ी वजह है। इसी के साथ शराब और सिगरेट ज्यादा पीना भी ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। इसके इलाज की बात करें तो स्तन कैंसर के प्रकार पर निर्भर करता है कि किस तरह के इलाज की जरूरत है।
ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित ज्यादातर महिलाओं में ट्यूमर को हटाने के लिए सर्जरी की जाती है। सर्जरी के साथ ही कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी और दवाओं से ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जाता है। लेकिन सबसे अहम बात है कि आखिर हम इस गंभीर बीमारी के खतरे से अपना बचाव कैसे करें। तो ऐसी कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें अपनाकर हम इसके होने के खतरे को कम कर सकते हैं, जिसमें सबसे जरूरी है अपना लाइफस्टाइल बदलें। इसी के साथ नियमित रूप से योगा और एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, धूम्रपान और शराब के सेवन से बचें, अपनी डाइट को संतुलित रखें, क्योंकि अगर हमारे घर की महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी हमारा पूरा घर भी स्वस्थ रहेगा। इसके लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें और एक अच्छा और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अच्छी डाइट लें ताकि पूरा पोषण मिले और बीमारियों से बचा जा सके।